हाफ चैप्टर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11 पे लैंड। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राइवेट लैंड जो हमारे घर जहाँ पर बने होते हैं वो प्राइवेट लैंड होती है। कम्युनिटी लैंड जहाँ पर क्या होते हैं, पार्क होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, ये क्या होती है, जहाँ पर हम हमारी मॉन्यूमेंट्स बने होते हैं, ये कौन सी लैंड होती है, कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ऑन बाय इंडिविजुअल वेयर एज, जबकि कम्युनिटी लैंड इज ऑन बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स। दीज कम्युनिटीज लैंड आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जो कॉमन कम्युनिटी लैंड होती है उसमें फॉडर चारे के लिए उगाया जाता है, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स का इसमें यूज़ किया जाता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। पीपल की डिमांड क्या है, ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी हमारी जो लैंड है वो कैसी है, बहुत कम है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। थोड़ी ही दूरी जगह जगह पर क्या होता है, हमारी जो लैंड है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप। पीपल क्या करते हैं, कॉमन लैंड्स में क्या करते हैं, कमर्शियल एरिया पे बिल्डिंग्स बना लेते हैं, हाउसेस कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं इन द अर्बन एरिया, शहरी इलाके में, एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंजेस इन अवर सोसाइटी। और हम क्या देख रहे हैं आज के, कि हमारी जो लैंड है उसमें क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ज़मीन का जब उपयोग होगा तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, लैंडस्लाइड होंगे, सॉइल इरोजन होगा, डिजर्टिफिकेशन पलायन होगा, एंड द मेजर थ्रेट ऑफ द एनवायरनमेंट बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। और ये क्यों होगा, जब हमारे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा और कंस्ट्रक्शंस की एक्टिविटीज होंगी तो ये सब चीजें होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ग्रोइंग पॉपुलेशन, कंजर्वेशन, हम अपनी लैंड को कैसे कंजर्व सुरक्षित रख सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज क्रिएट ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, लैंड की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी लार्ज स्केल पे, और क्या होगा, जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनका क्या होगा, डिस्ट्रक्शन करेंगे। फॉरेस्ट के जितने भी पेड़ हैं उनको हम काट देंगे, क्यों, क्योंकि हमें लोगों को वहाँ पर रखना है, लोगों को घर, लोगों के घर बनाने हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या होगी, लूज होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देयरफोर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन, आज के प्रेजेंट में डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। हमें क्या है, हमें देखना होगा कि हमारी जो डिग्रेडेशन लैंड का, जो लैंड जो है वो हमारी डिग्रेड हो रही है, एफोरेस्टेशन हो रहा है, किस वजह से, वन रोपण हो रहा है, एंड लैंड रिक्लेमेशन, उसमें क्या करना होगा, हमें सुधार करना होगा, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड फॉर फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मैथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। इन मैथड से क्या कर सकते हैं, हम अपने लैंड को बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी, ऐसी पतली लेयर, ग्रेनी, जिसमें क्या होता है, ग्रेन उगता है, सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, जो क्या है, अनाज के लिए बहुत अच्छी है। तो सबसे ऊपर की जो हमारी लेयर है अर्थ की वो क्या है, सॉइल है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, जमीन से क्या है, संबंधित है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन
द टाइप ऑफ सॉइल, इसमें भी क्या है, बहुत सारी टाइप टाइप की सॉइल है. सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, किस किस से बनी है, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ. ये सब चीजें क्या होती हैं, खनिज, वेदर रॉक, ये सब हमारी मिट्टी में, हमारी अर्थ में मिलती हैं, पाई जाती हैं. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इसी को क्या बोलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल. और इसका सही मिक्स क्या है, जिसमें क्या होते हैं, मिनरल्स, खनिज होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है. यहाँ पर हम देखेंगे टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन. टॉप सॉइल कैसी है, ह्यूमस है और वेजिटेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है. सेकेंड है सब सॉइल विद सैंड, स्लिट एंड क्ले. यहाँ पर क्या होता है, चिकनी मिट्टी, सैंड और स्लिट होते हैं यहाँ पे. थर्ड है वेदर्ड रॉक मिनरल, यहाँ पे क्या होते हैं, वेदर्ड रॉक मटेरियल होते हैं. सबसे लास्ट है पेरेंट रॉक. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर. ये कौन सी है, पेरेंट रॉक और क्लाइमेट फैक्टर है. पेरेंट रॉक कौन सी होती है, जिसमें हम कलर, मिट्टी का कलर, उसका टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं. और क्लाइमेट फैक्टर क्या है, कि कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, तो ये कैसा है, क्लाइमेट फैक्टर है. तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके. अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी, और अदर फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे टोपोग्राफी पे, भौगोलिकता पे. रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कि कितने टाइम में, जैसे हमने कोई फसल उगाई, फसल बोई, फिर हमने उसको काट लिया, लेकिन उस काटने के बाद मिट्टी में से क्या होते हैं, जितने ही पोषक तत्व होते हैं वो हमारी फसल में चले जाते हैं. तो ये किस पे डिपेंड करता है, हमारी टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, कि हमारी जो वो वाली, जिस मिट्टी में हमने गेहूं बोया था, अब उसको और ज्यादा, मतलब उसमें कैसे हम मिनरल्स, ये सब कैसे, और कितने टाइम बाद वो फर्टिलाइज होगी. तो ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं. जैसे हम क्या करते हैं, हमारी जैसे मिट्टी होती है, जैसे हमने गेहूं बोया, तो गेहूं बोने के बाद हम उसको मार्च में काट लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट नवंबर तक, उसी साल के नवंबर तक, इतना टाइम है कि मार्च से लेके अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक हमारे पास इतना टाइम होता है, जिससे क्या कर सकें, हम अपनी सॉइल को फर्टिलाइजर कर सकें, उसकी फॉर्मेशन को अच्छा कर सकें, ताकि हमारी आने वाली फसल, जो गेहूं की फसल है, वो कैसी हो, अच्छी हो. तो यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे हम डायग्राम देख रहे हैं. सॉइल पेरेंट रॉक किसमें क्या होता है, जिसमें डिटरमाइंस होते हैं, कलर्स होते हैं, टेक्सचर होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मिनरल कंटेंट, प्रीमेबिलिटी होती है इसमें. सॉइल रिलीफ, एल्टीट्यूड, उसके एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है, एंड स्लोप पे डिपेंड करती है, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, उसकी भौगोलिकता पर डिपेंड करती है. फ्लोरा फूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा फूना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वो जीव जंतु और वनस्पति, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ये क्या करती है, इस चीज को अफेक्ट करती है. क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या बताया था मैंने, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल फॉर्म, के टाइम क्या है, जैसे कि हमारी जो मिट्टी है वो कितने टाइम में फिर से थिकनेस हो जाएगी, सॉइल जो है हमारी फिर से फर्टिलाइजर हो जाएगी.